Hey, what's up guys? आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल ग्रुप टैक्टिक्स पर। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो का अगर प्ले कर लिया पूरी देखना यार, क्योंकि आज मैं आपके लिए कमाल ट्रिक लेकर आया हूँ। मैंने ये वीडियो पहले भी डाली चैनल पे, जब मेरे चैनल पे यार सब्सक्राइबर भी नहीं थे, वो 13-14 सब्सक्राइबर थे, तो ये वीडियो किसी ने देखी नहीं थी। मैं सोचा इसके ऊपर दोबारा वीडियो बनाई जाए, थोड़ी आपके सही से बनाई जाए, जैसे एडिट की जाए। तो यार मैं बताने जा रहा हूँ, मैं आज आपको ऐसे बताने वाला हूँ, ऐसे फीचर बताने वाला हूँ, ऐसा सॉफ्टवेयर बताने वाला हूँ वो आपके फोन में, जो कि आपके रात वाले फोटो को इतना चेंज कर देगा आप पहचान नहीं पाओगे। अगर आप इसको दिखाओगे वो यकीन नहीं कर पाएगा ये फोटो रात में खिंचा है। इतना ज़्यादा है उसकी क्वालिटी को एनहेंस कर देगा, इतना ज़्यादा उसमें जो ब्राइटनेस उतना बढ़ा देगा, बिना क्लैरिटी घटे, जो एकदम आपको रियल लगेगी, एकदम नेचुरल लगेगी। तो फ्रेंड्स सर, मैं आपको सारे थॉट दिखाऊंगा और ये बताऊंगा लास्ट में आप उसको कैसे अपने फोटो एडिट करेंगे, किस ऐप से करेंगे, वो आप कहाँ मिलेगी, सब कुछ मैं आगे बताऊंगा। बस आपका काम ये रहेगा, आपको इस वीडियो को पूरी देखना है। तो फ्रेंड्स ज़्यादा से ना वाले वीडियो सुन लेते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। अब आप फोटो देखते रहिए, मैं कुछ बोलूँगा नहीं, आपको डिफरेंस खुद ही पता चल जाएगा। तो चलिए दिखाते हैं आप अपने सारे फोटो जो मैंने रात में लिए हैं। आप अपने फोटो की लाइटनिंग को कैसे बढ़ाएंगे, आपको कुछ नहीं करना, आपके फ़ोन में एक ऐप होगी जिसका नाम है गूगल फोटोज। जी हाँ फ्रेंड, गूगल फोटोज, उसको ओपन कर लेना है आपको। या उसको ओपन कर लोगे, आपको अपन कोई भी इमेज लेनी है जो आपने रात में खींची है, जैसे मैं इसको लूँ, इसको ले लेता हूँ। और इसको आपको क्या करना है, सबसे पहले आप एक ऑप्शन आ रही है, आप देख सकते हैं ये वाला, एक मिनट अपन ब्रश ऑन कर लेता हूँ मैं, आपको ईजिली समझ में आ जाए। तो यहाँ देख सकते हैं नीचे ऑप्शन आ रहा है, जब इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ ऐसा जो इंटरफेस आ जाएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, दोबारा जो ये वाला आइकन है उस पर क्लिक मारना, दोबारा इस पर ही, तो इस पर क्लिक मारोगे हमारे आप तीन ऑप्शन आते हैं, लाइट, कलर, पॉप। जब वो सबसे मेन काम रहेगा आपको लाइट चेक करनी है, लाइट कितनी बढ़िया लगी, ज़्यादा ओवर एक्सपोज तो नहीं हो रहा। अब देखिए कुछ ज़्यादा ओवर एक्सपोज हो गया है, थोड़ा सा कम कर लेते हैं, हाँ थोड़ा यहाँ ठीक है। उसके बाद थोड़ा आपको कलर डालना है, क्योंकि कलर थोड़ा जो आपकी जो लाइटनिंग मतलब जो आपकी डिटेल्स हैं वो उतनी रहें, घटे ना। फिर जो आपकी मेन चीज़ आती है जो इसमें खतरनाक है वो है पॉप, जो आपका ऑब्जेक्ट है वो एकदम उभर के आएगा। आप देख सकते हैं कितना यार अंतर हो जाता है गाड़ी को, आप देख सकते हैं गाड़ी को यार। और आप चाहें तो थोड़ी सी लाइट को देख भी सकते हैं बढ़ा के, कैसा लग रहा है, थोड़ा ओवर हो गया है, इसे थोड़ा कम कर सकते हैं। और अपना कलर देख सकते हैं कैसा रखना है। और जैसे आप ये इतना काम हो जाए, बस ऊपर क्या करना है, इस पर सेव पर क्लिक कर देना है। और जब अपने फोटो का अंतर देखोगे ना यार, आप भी बिलीव नहीं कर पाओगे यार, मैं बिलीव कर नहीं पाया था, मैंने पहली बार इसको यूज़ किया था यार, काफ़ी धमाकेदार यार, जिसे कहते सॉफ्टवेयर कुछ भी कह लीजिए, बट काफ़ी एकदम काम की चीज़ है यार। अब देख सकते हैं इस फोटो को, और मैंने आप पहले दिखा दिए सारे शॉट्स। तो आई होप मुझे लगता है वीडियो को पसंद आई होगी, तो लाइक कर ही देना। तो फ्रेंड्स आपने देखा, मैंने आपको साइड बाय साइड सारे फोटोज दिखाए, पूरा कंपैरिजन दिखाया है। इसी बात पे वीडियो को लाइक कर देना, मुझे लगता है अगर वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर ही देना। और हमारे चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नीचे एक बटन होगा लाल कलर का, उसको ग्रे कर देना, साइड नोटिफिकेशन बेल होगा उसको दबाना, जब भी तुम्हारा भाई ऐसी कोई वीडियो लाएगा आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स आज वीडियो यही थी, मैं आपसे मिलता हूं चैनल वीडियो में देखने के लिए।